अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, और आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होगे, खैरियत से होगे। और देखिए, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ खोपरे का मसाला, मतलब, और बैंगन गोश्त का सालन और खोपरा पीस के मसाला, आज कुछ अलग स्टाइल में। क्योंकि खोपरे वाला तो हम लोग ज़्यादा खाते थे पहले, लेकिन अभी थोड़ा मैंने कम करी हूँ। तो आप लोगों को पता ही होगा कि महाराष्ट्र लोग ज़्यादा खोपरे का ही सालन खाते, तो वैसे हम लोग भी हर मसाले में खोपरा रहता था ही हम लोग के। लेकिन अभी थोड़ा मैंने फिलहाल कम कर दी हूँ खोपरा डालना। तो अभी देखिए, मेरी रेसिपी की तैयारी चालू है कि क्या क्या डालना है उसके अंदर। तो मैंने यहाँ पर कुछ मसाले निकाल के रख दी, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो ज़रूर देखिए मेरी रेसिपी। तो देखिए, सालन बनाने के लिए मैंने जैसा कि प्याज को काट ली, मैंने 5 छोटी छोटी प्याज थी थोड़ी, तो मैंने प्याज काट कर यहाँ पर सूखा खोपरा, थोड़ा सा 4 टमाटर और यहाँ हरी मिर्ची, ये 10 से 15 हरी मिर्ची मैंने ली हूँ, और कुछ पाउडर जो मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। तो पहले अपने को इसको पीस लेना है। और यहाँ पर मैंने बैंगन काट के रख दी थी, तो थोड़ा टाइम हो गया इसको काटने से, तो थोड़ा शायद इसका कलर काला हो गया शायद कलर, तो धो के रख दी थी मैंने उसको, पानी में ही रखी इसलिए, क्योंकि कलर बहुत जल्दी उसको काट के रखेंगे तो चेंज हो जाता। तो चलो फिर मैं मसाला पीसने की तैयारी कर लेती हूँ। मसाला पीस के मसाला पीस ली मैंने अच्छे से, और यहाँ पर तेल डालकर, गरम हो गया तेल भी क्योंकि मसाला इसमें भुनना है ना अपने को, तो 2 तेज पत्ता 2 से 3 डाल दी, और तेल हो गया अच्छे से गरम। अब बस डालना है इसमें मसाला। तो देखिए, तेल तो अच्छे से गरम हो गया, तो मैंने जो मसाला पीसी थी वो इसके अंदर डाल दी। अभी इसके अंदर जो ये मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर, तो ये भी सब एक साथ में डाल के हिला लेना अच्छे से, और इसको मसाले को अच्छा पकने देना है पहले को। तो देखिए, मिक्सर के जो कटोरे में सब मसाला लगा था, तो उसको भी मैंने खंगाल कर अच्छे से इसमें पानी लेके, अब ये भी इसके अंदर डाल के अब इसको अच्छे से पकने देना है। हिलाना है अच्छे से, पहले तो हिला लेते हैं अच्छे से, उसके बाद में मैं इसको स्लो आंच पे मसाला पकने के लिए देना है। तो देखिए, मैंने स्लो आंच कर दी हूँ, और मसाला जब तक अपने को पकने देना है जब तक तेल अच्छे से ऊपर ना आए जो मसाले का, तो सालन टेस्टी बनेगा ना। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ढक्कन ढाँप दी, और गैस की जो आँच है वो एकदम स्लो कर दी चूल्हे की। तो पहले मसाले को पकने देते हैं अच्छे से, और उसके बाद में डालना है बैंगन और जो मैंने मटन बॉईल करके रखी हूँ वो। तो देखिए, मसाला बहुत अच्छे से पक गया। तो अभी मैं इसके अंदर डालती हूँ जो बैंगन मैंने काट के रखी, तो यक्के बैंगन। जैसा कि 1 किलो है गोश्त, तो मैंने इसके अंदर 1.5 किलो बैंगन। तो देखिए, मैंने बैंगन डाल दी, और जो मटन मैंने बॉईल करके रखी थी वो भी इसके अंदर डाल के, अभी डालना है नमक और इसको हिलाना है अच्छे। तो देखिए, अभी मैं डाल रही हूँ नमक, क्योंकि मैंने गोश्त के अंदर उबालने के टाइम पे ही नमक डाल दी थी। तो यहाँ पर नमक डाल के थोड़ा इसको 5 मिनट तक पकने दे के, फिर इसके अंदर जितना आपको पानी चाहिए वो हिसाब से पानी डालिए, क्योंकि ये थोड़ा ग्रेवी टाइप में ही अच्छा लगता। तो यहाँ पर अभी बस मुझे डालना है पानी, क्योंकि जोश अच्छे से आ गया सालन को। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक कटोरे से ही डाल दी, जैसा कि 1 गिलास मैंने पानी डाल दी इसके अंदर। तो अभी बस इसको स्लो पे आराम से पकने देना है, ताकि जब तक बैंगन गल नहीं जाते, और मसाला और अच्छे से इसके अंदर पकने देना है ना सला। तो देखिए, सला देख रहा था मेरी रेसिपी, है ना सला? सला सीख रहा था कि खाला कैसा बनाते हैं, और सला कुछ कारनामे कर रहा है अभी फ्रिज के अंदर। वो फ्रिज बंद करके बर्फ नहीं निकलता सला, वो ऐसे निकल जाता बर्फ, तो वो उन लोग के घर पे जो फ्रीज है वहां पर ऐसे निकालते ना फ्रीज का बटन बंद करके और बर्फ पिघलने के लिए, लेकिन मेरी नहीं है ऐसी, क्योंकि मेरी बंद करने की जरूरत नहीं,
फ्रीज में बर्फ इधर उधर नहीं जमता इसके अंदर, और बहुत से लोगों के फ्रीज में जमता नहीं जमता, लेकिन मेरी फ्रीज में। तो सलाह अभी तक मेरी रेसिपी देख रहा था बहुत देर से कि खाला कैसा बोलते और कैसा बनाते, और उसके बाद में अभी लग गया वो अपने काम पे। तो देखिए सलाह क्या कर, देखिए सलाह ने फ्रीज खोल के सलाह निकाल रहा है बर्फ, है ना सलाह? हाँ। इसको जरूर बर्फ की कुछ जरूरत है ना? काय के लिए चाहिए बर्फ? बर्फ। अच्छा, हिबा के आंख पे डालने के लिए। तो देखिए सलाह को मस्ती है, ये सलाह को अभी बर्फ इसके वास्ते चाहिए हिबा के आंख पे डालने के लिए। अच्छा हाँ, सलाह की मस्ती तो चालू थी, सलाह ने बर्फ निकाल लिया, और अभी बस मेरा भी सालन बना के हो गया, और रानी कर रही है आज अपनी कुरवोडी की तैयारी, क्योंकि मैंने उस दिन बना दी थी, तो मैंने मतलब हम लोग दोनों ने मिलके बनाए, तो मेरे कुर्ता हो गया, अभी रानी को बनाने का उसके घर पे लेके जाने के लिए। तो आज वो खुद ही, क्योंकि मैं बोली मैं पका लेती हूँ जब तक, तो तू जब तक वो सब कर ले, क्योंकि अभी आज उसको पीस के रखेंगी और कल फिर उसके बाद में कल बनाना रहेगा उसको, क्योंकि उसका चीक जो है उसमें मेहनत बहुत है, लेकिन खाने में अच्छा लगता। तो मैं अभी जब अभी खाने के साथ जब फ्राई करूंगी तो जरूर आप लोग देखना कि कैसी थी और कैसी बन गई। तो वो रेडीमेड भी मिलती, लेकिन रेडीमेड बहुत सलाह को मस्ती आ रही। हाँ सलाह, रेडीमेड बहुत महंगी भी रहती है और इतनी सी आती है उसके अंदर, जैसा मॉल वगैरह में डी मार्ट में मिलती वो क्रोडी बोलेंगे तो, लेकिन खाने के लिए अच्छा लगता। तो देखिए रानी आज रानी का काम हो गया फाइनल कुरवोडी का, इसको मतलब जो पीस के रखने वाला, देखो इस तरह से ये गेहूं निकलता, क्योंकि मैंने भी तो जब बनाई थी, जब ये सब वीडियो आप लोगों को बताई थी, अपलोड करी थी सब, जैसा भी करना है। तो आज रानी तैयारी कर रही है खुद के लिए, हाँ बनाने के लिए, मेरी हो गई बनके, रानी तो कुछ ज्यादा बना रही है। हाँ कुछ ज्यादा ही बना रही है कि बारिश पूरा निकल जाए ना। तो लेकिन ना मैंने पहले थोड़ा बनाया था, हम लोग पहले थोड़ा भीगने डाले थे, देखे कैसी बनती, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी, तो इसलिए हम लोग ने फिर थोड़ा ज्यादा गेहूं भिगा दिए, तो सूख भी गए माशाल्लाह। देखिए ये अभी इसको फ्राई करके बताएंगे, जब हम लोग खाना खाने जाएंगे तो इसको फ्राई करके बताएंगे कि कैसा फूलती है, मेहनत तो है बहुत। और चलिए फिर अभी इसको एक दिन और रखना है, तो कल इसको फिर बनाएंगे। तो जो ये सब तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, तो अभी शायद इसका नहीं बताऊंगी, क्योंकि पहले वीडियो में तो सब है ही इसका वीडियो, तो अभी ढक के रखने जा रही है रानी, यहाँ पर ढक्कन ढक के अभी इसको एक दिन पूरा रखना है, ठीक है।